हम लोग जितना भी सर्किट एलिमेंट्स के बारे में पढ़े हैं उसमें एक है रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, दो और सर्किट एलिमेंट हम लोग सीखे हैं, एक है डायोड और एक है ट्रांजिस्टर। सबके लिए कुछ कुछ सिंबल्स भी बना दिया है। कोई भी सर्किट बनाए हम, इन्हीं सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग सोल्डरिंग वायर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर करके और एक सर्किट बनाते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, अंदर में सम कॉम्बिनेशन और कुछ वायर्स निकला होगा एक तरफ, जिसको हम इनपुट कहेंगे, और दूसरे तरफ आउटपुट। देयर मे बी मेनी इनपुट टर्मिनल्स, देयर मे बी मोर देन वन आउटपुट टर्मिनल्स ऑल्सो, पर हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखने में ऐसा होता है। एक सर्किट होगा, कुछ टर्मिनल्स जिधर से हम एक एक्सटर्नल वोल्टेज सिग्नल बोलते हैं इसको, सम वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम ग्राउंडेड, और उस तरफ हमको एक सम वोल्टेज जिसको आउटपुट सिग्नल बोलते हैं वो हमको रिसीव होगा। जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर में हम लोग देखे थे, चित्र फिर से बनाए हैं, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, यहाँ एक पावर सोर्स है और एक और पावर सोर्स है, कुछ रेजिस्टर है, ये सर्किट था, और यहाँ पे टर्मिनल्स निकला था, एक ही टर्मिनल कहिए क्योंकि ये तो ग्राउंडेड है, कॉमन है, जीरो पोटेंशियल पे। हम इस तरफ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिए जो एक वेरिएबल वोल्टेज कंटिन्यूअसली एक सिग्नल इसमें सर्किट में सेंड कर रहा होगा, और इस तरफ हम उस सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, सम अनदर डिवाइस से कनेक्ट करेंगे हम उसे, उसको आउटपुट सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सर्किट एलिमेंट है ट्रांजिस्टर, बट इन सब का एक कॉम्बिनेशन बना के हम एक बड़ा सा सर्किट बना सकते हैं। ये जो सिग्नल हम बोलेंगे जब भी, एक इनपुट सिग्नल, उन्हें आपको समझना है सम वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें हम वोल्टेज ही फ्लक्चुएट करेंगे, जिसके कारण इसमें फ्लक्चुएटिंग करंट फ्लो करेगा, कभी इधर कभी इधर, कभी जोर से करंट फ्लो करेगा, कभी धीमा करेंगे, उधर हमको मिलेगा एक फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज सिग्नल। तो सिग्नल इनपुट दो तरह का हो सकता है, एक ऐसा कॉन्टिन्यूअसली वेरिंग विथ टाइम, ऐसे सिग्नल्स को हम लोग एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं, या इस तरह का सिग्नल, बस दो ही वोल्टेज स्टेप में, कभी जीरो वोल्टेज और कभी एक हाई वोल्टेज 5 वोल्ट्स से, यानी इस एंड पे जो पोटेंशियल होगा, मेरा जो इनपुट सिग्नल होगा वो कभी 0 वोल्ट होगा और अचानक से 5 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, कुछ कुछ समय के गैप पे, ऐसा सिग्नल्स भी हम दे सकते हैं। इसको हम लोग डिजिटल सिग्नल्स बोलते हैं। जब इनपुट सिग्नल होगा अपने लो पे यानी 0 वोल्ट, तो हम इनपुट को कहेंगे 0, और जब इनपुट सिग्नल होगा किसी एक फिक्स्ड हाई वोल्टेज पे से 5 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि इनपुट सिग्नल है 1। यानी कि अगर इस तरह का एक सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं थ्रू दिस सर्किट डिजिटल, तो डिजिटल सिग्नल सिर्फ दो ही तरह का होगा, लो वोल्टेज या एक फिक्स्ड हाई वोल्टेज।
लो वोल्टेज भी एक फिक्स्ड लो वोल्टेज विच इज 0 वोल्ट एंड फिक्स्ड हाई वोल्टेज जनरली 5 वोल्ट सभी डिजिटल सर्किट्स में रहता है। तो जब भी यहां पे वोल्टेज लो होगा यानी 0 होगा तो हम कहेंगे कि इस समय इनपुट सिग्नल का वैल्यू है 0 और जब भी यहां पे वोल्टेज हाई होगा एक फिक्स्ड वोल्ट 5 वोल्ट तो हम कहेंगे कि इस समय इनपुट सिग्नल है 1। तो डिजिटल सिग्नल का दो ही वैल्यू होगा 0 या 1। हम लोग इसको पढ़े थे, इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन था वो इस तरह का था, एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेंज है जिसपे आप अगर बेस को इनपुट सिग्नल को मेंटेन करें तो उस इंटरवल में जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में जो रिलेशन है वो लगभग लीनियर है, यानी आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज। इसीलिए हम लोग एनालॉग सिग्नल्स को लीनियर सिग्नल्स भी बोलते हैं। जनरली हम लोग जब एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं तो हम लोग इसी वोल्टेज रेंज में काम करते हैं, लेकिन जब हम ट्रांजिस्टर को एक डिजिटल सिग्नल सेंड करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तब हम या तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ यानी कि यहां वोल्टेज इतना लो है कि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है उसको कट ऑफ बोलते हैं, या वोल्टेज इतना हाई है कि यहां से करंट जो फ्लो करेगा, जब बेस करंट हाई होता है तो कलेक्टर करंट भी हाई होगा तो कलेक्टर अपने सैचुरेटेड स्टेट में चला गया, यह है सैचुरेटेड रीजन। बस यही दो रीजन में हम लोग ट्रांजिस्टर को अगर यूज करें, इनपुट वोल्टेज को खूब लो रखें उस समय यहां पर आउटपुट वोल्टेज हाई हो जाता है क्योंकि इनपुट वोल्टेज लो रखने पे यहां करंट नहीं फ्लो करता है, तब यहां वोल्टेज वही मिलता है जो पावर सप्लाई का वोल्ट है। जब इनपुट वोल्टेज हाई रखते हैं तो यहां करंट हाई हो जाता है तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस दिस वोल्टेज माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है। तो हम लोग जब इस रीजन या इस रीजन में ऑपरेट करते हैं वही वोल्टेज इनपुट को लो रखते हैं या एक फिक्स्ड वोल्टेज से हाई रखते हैं तब आउटपुट सिग्नल भी ऐसा ही मिलता है डिजिटल। दो बड़ा डिस्टिंक्ट इस्तेमाल होता है सर्किट्स का, एक इस्तेमाल है कि हम इसमें इनपुट दें कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म में तो हमको आउटपुट बिल्कुल उसी का रेप्लिका मिलना चाहिए, फोटोकॉपी बट एनलार्ज्ड मिलना चाहिए। इस तरह से हम अगर जब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस सर्किट को हम एनालॉग सर्किट बोलते हैं, एक एम्पलीफायर के रूप में कहते हैं कि इस्तेमाल हो रहा है इस सर्किट का। उसके लिए फिर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रीजन है वो यही है, एक सर्टन लो वोल्टेज है दैट इज जनरली 0.6 वोल्ट और एक सर्टन हाई वोल्टेज है से 5 वोल्ट, इसी के बीच में हम यहां पे इनपुट सिग्नल रहना चाहिए। तब कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म उधर ट्रांसफर होता है, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं आपको उसमें हमको अपना सर्किट बनाना है इस तरह से कि वो जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करें अंदर में हम सर्किट के वो या तो कट ऑफ स्टेट में हो या सैचुरेटेड स्टेट में। जनरली जो सर्किट्स बनता है ना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स वो इस तरह से नहीं बनता है कि इन सब सर्किट एलिमेंट्स को छोटा छोटा सोल्डरिंग वायर से कनेक्ट कर करके इस तरह से नहीं बनाया जाता है, अब नहीं बनाया जाता है। एक समय था जब इसी तरह से सर्किट्स को बनाया जाता था, एक बड़ा सा एक बोर्ड पे जिसको मदरबोर्ड बोलते हैं और उसी पे सर्किट एलिमेंट्स को उसमें पिन अप कर करके और तारों से ज्वाइन कर करके बड़ा बल्की सा सर्किट सब बनता था। अब तो एक ही सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं, इतना बड़ा नहीं होता है, वो 1 मिलीमीटर × 1 मिलीमीटर का एक स्क्वायर शेप इमेजिन कीजिए। अब तो दिखा भी नहीं सकते ना 1 मिलीमीटर इस सो लेकिन
या अब तो उससे भी छोटा लाइक अ डॉट एक चिप होता है, उसी चिप के अंदर में अलग अलग पार्टीशंस बन के और अलग अलग डोपिंग कर दिया जाता है और इलेक्ट्रोड्स निकाल दिया जाता है। इसको एक प्लास्टिक के बड़े से केसिंग में ताकि एक प्रोटेक्शन के लिए, और ये इलेक्ट्रोड सब निकाल दिया जाता है एकदम सूक्ष्म छोटा सा एक डॉट। अब ऐसा होता है उसी के अंदर ये पूरा सर्किट है जो समा गया है। ऐसे सर्किट्स को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं, आईसी चिप्स बोलते हैं, मतलब एक ही सिंगल पीस ऑफ सिलिकॉन चिप के अंदर में ही एम्बेडेड है ये सब सर्किट एलिमेंट्स, और बाहर में टर्मिनल्स निकला है, और इसका जो सर्किट है डायग्राम वो आपको अलग से प्रोवाइड करेगा वो कंपनी जो बनाएगा फैक्ट्री इस चिप को, वो आपको प्रोवाइड करेगा इंजीनियर को, ताकि तभी ना आप जानेंगे कि ये सब इलेक्ट्रोड्स कौन किससे कनेक्टेड है। अभी जो हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम एक इनपुट देंगे और वो हमको एक आउटपुट रिटर्न करेगा। अब इनपुट का मतलब जीरो या वन और आउटपुट का मतलब भी जीरो या वन, मल्टीपल इनपुट्स हो सकता है एंड मल्टीपल आउटपुट्स हो सकता है। अभी हम एक इनपुट दिखाए हैं और एक आउटपुट दिखा रहे हैं चित्र में। ऐसे सर्किट्स को हम लोग बोलते हैं गेट्स, लॉजिक गेट्स। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को जो इनपुट सिग्नल को कंट्रोल करके थ्रू सम लॉजिक एक खास आउटपुट सिग्नल ट्रांसफर करे, हम ऐसे सर्किट्स को बोलते हैं लॉजिक गेट्स। एक लॉजिक गेट का यहां डेफिनेशन लिखे हैं, गेट इज अ डिजिटल सर्किट, सम सर्किट दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिक बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट सिग्नल्स। हम फाइव कॉमन लॉजिक गेट्स यहां दिखा रहे हैं, ये हम सर्किट नहीं दिखा रहे हैं, एक सिंबल बना रहे हैं। इस लॉजिक गेट को कहते हैं नॉट गेट। इसमें दो टर्मिनल दिख रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट, अंदर में वही ट्रांजिस्टर्स होगा, डायोड्स होगा, रेजिस्टर्स होगा, वो सर्किट नहीं आपको हम सिखाने जा रहे हैं, केवल इतना बताने जा रहे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप इस तरह का कोई डिवाइस हम दिखाते हैं कनेक्टेड, तो उसका मतलब समझना है कि वो डिवाइस करता क्या है। उसमें इनपुट सिग्नल जो होगा वो एक वेव फॉर्म में होगा, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसका वोल्टेज वैरी कर रहा होगा विथ टाइम, इस तरह का पल्स के फॉर्म में, नॉट एनालॉग, पल्स के फॉर्म में होगा। अचानक से वोल्टेज हाई हो जाता होगा, अचानक से वोल्टेज लो हो जाता होगा, बस लाइक अ स्टेप। तो ये इधर आउटपुट क्या रिटर्न करेगा, इसको कहते हैं नॉट गेट। इसका काम है ठीक उल्टा आउटपुट रिटर्न करना। यहां पे इस एक टेबल के रूप में दिखाते हैं, इस टेबल को बोलते हैं इस गेट का ट्रुथ टेबल। हर सर्किट का एक नाम रख देंगे, उसका एक सिंबल बना देंगे और एक ट्रुथ टेबल बोलते हैं उसका। दीज आर द फाइव कॉमन लॉजिक गेट्स। फिर बोल दें एक बार, इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है, माने किस तरह से हम ट्रांजिस्टर्स को प्लेस किए हैं, वो नहीं दिखा रहे। एक इनपुट सिग्नल इलेक्ट्रोड है, एक आउटपुट। अगर यहां पे जब वोल्टेज हाई होगा तो यहां वोल्टेज लो रिटर्न करेगा, और यहां जब वोल्टेज लो होगा तो हाई रिटर्न करेगा। इसी बात को ऐसे लिखते हैं 0110। यानी कि मान लीजिए कि हम इस तरह का एक वेव फॉर्म दिखाते हैं, ये
यह ए वर्सेस टाइम, जीरो एंड वन। यहां पे जो एंटर कर रहा है सिग्नल वो इस तरह का है वेव फॉर्म। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे हम यहां पर जो वोल्टेज है वो बता दिए, जीरो और वन बोलते हैं, यानी अब वोल्टेज नहीं बताते हैं, वोल्टेज तो बता दिया आपको, एक लो वोल्टेज है और सडनली हाई वोल्टेज, वो हाई वोल्टेज भी फिक्स्ड है 5 वोल्ट्स, और लो वोल्टेज भी फिक्स्ड है 0 वोल्ट, और कोई वहां पे पोटेंशियल कभी नहीं होगा, जिसको हम 0 और 1 बोलेंगे। अब नाउ 0 डज नॉट मीन 0 वोल्ट, 1 डज नॉट मीन 1 वोल्ट, 0 एंड 1 मींस द कट ऑफ स्टेट एंड द सैचुरेटेड स्टेट, यानी लो वोल्टेज एंड द हाई वोल्टेज, द लो वोल्टेज एंड द हाई वोल्टेज। तो अगर इस तरह का सिग्नल इस सर्किट में एंटर करेगा, इस गेट में, ये सब गेट ही है, गेट माने हम लोग तो जानते हैं इंग्लिश वर्ड है, गेट का माने दरवाजा, हाँ उसी उसी लिटरल मीनिंग को देख करके इसका नाम गेट रखा गया है। इट अलाउज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन है जो हम पास करना चाहते हैं, किसी न किसी डिवाइस से इसको कनेक्ट करेंगे, हम इधर इंफॉर्मेशन देंगे उधर वो डिवाइस काम करेगा। तो ये गेट हम जान ले रहे हैं, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो भी डिवाइस हो जब उसको कहें कि काम नहीं करो तो करने लग जाए, और जब कहें कि काम करो तो ना करे, अगर हम ऐसा चाहते हैं तब हम ये वाला गेट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट गेट का। हम इधर से कहेंगे डोंट डू, उधर उसको मिलेगा मैसेज डू। तो हम इन सब के बारे में जान लें, द फाइव कॉमन गेट्स, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से अब हम बड़ा बड़ा सर्किट बना सकते हैं, जैसा हम लॉजिकल आउटपुट चाहें। अगर आपसे हम कह दें कि हम ये इनपुट दें तो ये आउटपुट रिटर्न करना चाहिए, ऐसा सर्किट बनाइए, तो आप इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट तैयार करते हैं। ये रेडीमेड आता है बाजार में, अगर आपको कहिएगा कि एक नॉट गेट हमको दो तो आपको दे देगा एक छोटा सा एक चिप, उसके अंदर अपना सर्किट है, उसमें एक टर्मिनल निकला होगा बाहर, एक दोनों तरफ इनपुट आउटपुट। तो इसका स्वभाव यही है, इसको टेबल के रूप में दिखा सकते हैं या ग्राफ के रूप में भी दिखा सकते हैं। अगर ऐसा वेव फॉर्म एंटर करता है ए पे तो आउटपुट सिग्नल क्या मिलेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर कहें कि ग्राफ बना करके दिखा दीजिए तो देखिए ग्राफ ऐसा होगा, ऐसे बनाएंगे ग्राफ, यहां पे वन दिखा देंगे, जीरो वन जीरो वन जीरो वन, ठीक उल्टा दिखाना है, जब इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, और जब इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट लो दिखा देंगे। अगर इस गेट के थ्रू ऐसा इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो ये ऐसा इंफॉर्मेशन उधर ट्रांसफर होगा, बोलेंगे यस तो नो ट्रांसफर होगा एंड वाइस वर्सा। दूसरा गेट देखिए, इसको बोलते हैं और गेट, इसमें दो इनपुट टर्मिनल है और एक आउटपुट, यानी एक वोल्टेज सिग्नल सोर्स इससे कनेक्ट होगा और एक वोल्टेज सिग्नल सोर्स इससे कनेक्ट होगा, VABB सम कॉमन अर्थिंग है, ये अपना पल्स भेज रहा होगा और ये अपना पल्स सेंड करेगा, और ये गेट क्या रिटर्न करता है वो हम आपको खाली बता रहे हैं, क्या रिटर्न करता है, कैसे बताएंगे इस बात को, तो उसको ट्रुथ टेबल के रूप में बताते हैं। हम एक और सिग्नल दिखा रहे हैं VB, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा वो आप बताइएगा, जब इसका ट्रुथ टेबल समझ जाइएगा तभी बता पाइएगा। हम इसके तुलना में थोड़ा चौड़ा पल्स दिखा रहे हैं और थोड़ा डिस्प्लेस्ड भी दिखा रहे हैं, लिटिल वाइडर,
वाइडर का मतलब ज्यादा देर तक के लिए ये उसके तुलना में हाई स्टेट में रहता है और उसके तुलना में ज्यादा देर तक के लिए लो स्टेट में रहता है। इस तरह से बनाना होगा, जब इन दोनों का कंबाइंड आउटपुट को आप प्लॉट कर रहे होंगे तो इस तरह से दिखाना होगा। हम कोई दो इनपुट सिग्नल दिखा दिए हैं ए पे और बी पे, आपको अब आउटपुट सिग्नल बताना है। अगर ये सिग्नल दोनों इस गेट के थ्रू एंटर करता है तो उसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक हम यहां दिखा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, जिसको हम और गेट बोलते हैं। उसका ट्रुथ टेबल ये है कि ए और बी दोनों पर जब लो वोल्टेज रहेगा, मैंने 0-0, तो यहां भी 0 हमको मिलेगा, एक लो दूसरा हाई, तो यहां हमको हाई मिल रहा है। यहां ए हाई स्टेट पे है, बी लो, तो हमको आउटपुट हाई मिल रहा है। और जब दोनों हाई स्टेट में है तो हाई मिल रहा है। इसको याद करना कठिन नहीं है, आप खाली फॉलो कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं, कभी नहीं भूलिए। उसका हिंदी खाली अनुवाद करके देखिए, और शब्द का और मतलब या। इन दोनों में से कोई एक भी अगर हाई हो तो यहां हाई मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि इस तरफ एक बल्ब लगा है और इस तरफ मेरे पास एक स्विच है। स्विच से कंपेयर करना बड़ा अच्छा है इनपुट सिग्नल को, डिजिटल इनपुट सिग्नल को, क्योंकि डिजिटल इनपुट सिग्नल का दो ही ना स्टेट है, 0 स्टेट और 1 स्टेट। आज जो हम लोग स्विचेस यूज करते हैं बल्ब जलाने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जलाने के लिए, उसका भी दो स्टेट है, एक ऑन स्टेट एक ऑफ स्टेट। तो इट इज वेरी वाइज टू कंपेयर डिजिटल सिग्नल्स विथ अ स्विच दैट वी यूज इन आवर होम्स। तो इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तब बल्ब बुझ जाएगा, जब इसको ऑफ करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, यही इसका स्वभाव है। इस आउटपुट सिग्नल को हम ए बार सिंबल से भी डिनोट करते हैं, मतलब हम एलजेब्रा बता रहे हैं गेट्स का, उस एलजेब्रा को बोलते हैं बुलियन एलजेब्रा, वो साथ में बताते चल रहे हैं। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे बुलियन एलजेब्रा, बस काम चलने लायक बता दें। यानी ये जो आउटपुट सिग्नल है वो क्या रिटर्न करता है, कहां बोलेंगे ए बार। शेक्सपियर के भाषा में भी आप याद कर सकते हैं ए बार का मतलब क्या होता था। वेन डायग्राम में ये एक सेट है ए और एक और एक सेट है बी, तो डू रिमेंबर कि ये यूनिवर्सल सेट है, कि इस सेट में जो एलिमेंट्स है इनके अलावा जो एलिमेंट्स है यूनिवर्सल सेट में से, हम सेट ए के एलिमेंट्स को निकाल दें तब जो सेट बचता है उसको हम लोग बोलते थे दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, उसको ए प्राइम सिंबल से डिनोट करते हैं। यहां हम ए बार सिंबल से डिनोट करेंगे। ए बार का मतलब रहेगा निगेशन, माने ये सर्किट का काम है निगेट करना, इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका सरल मतलब है उल्टा काम करना। हम जितना बात यहां पढ़े इसको एकदम सरल शब्दों में पूछें कि यहां पे क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस गेट डूइंग, दिस इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज नेगेटिंग द इनपुट। इनपुट का नाम अगर ए है तो हमको ये ए बार रिटर्न कर रहा है। और याद रहे हमेशा कि वैल्यूज दो ही है, यानी कि हम ए का वैल्यू 5 नहीं बोलेंगे, 6 और 69.3, ए का वैल्यू बोलेंगे 0 एंड 0, यार और 1 यहां जो बोल रहे हैं कोई रियल नंबर वाला नहीं है। 0 मीन कर रहे हैं अ स्टेट, लो स्टेट, एंड 1 हम मीन कर रहे हैं अ हाई वोल्टेज स्टेट इनपुट साइड। तो इस केस में हम y को सिर्फ ए बार लिख सकते हैं, हम यहां लिख रहे हैं आउटपुट इक्वल्स नेगेशन ऑफ ए या सिंपली ए बार।
इसको देखिए, इसका आउटपुट का नाम हम रख रहे हैं ए या बी। यहां एक स्विच लगा दीजिए ऑन ऑफ, एक स्विच यहां भी लगा दीजिए ऑन ऑफ, और यहां एक बल्ब लगा दीजिए। हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक स्विच भी ऑन करें तो ये बल्ब जल जाए, वही तो लिखा है। देखिए अभी पहला वाला रो में दोनों स्विच ऑफ है तो बल्ब भी ऑफ है। अब इसमें बी स्विच ऑन है, ए ऑफ है, बट बल्ब ऑन है, क्योंकि अभी बताए तो आपको ये वाला गेट क्या करता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर ऑन है, ये ऑन हो या ये ऑन हो, यही तो लिखा, तो बल्ब ऑन रहेगा। और वही वहां पे दिखाएंगे, एनी वन ऑफ देम अगर वन हो, माने स्विच ऑन हो तो ये बल्ब जल जाता है, दोनों ऑन हो तो भी जलेगा, ए ऑन हो बी ऑफ हो तो भी जलेगा, ए ऑफ हो बी ऑन हो तो भी जलेगा। हाँ, जब दोनों ऑफ होगा तब ये बल्ब नहीं जलेगा। यानी इस आउटपुट सिग्नल को हम ए यूनियन बी जैसा एक सिंबल हम लोग बनाते हैं, ए प्लस बी, यानी कि इस तरफ आउटपुट को हम लिखेंगे भविष्य में ए प्लस बी। आप प्लस का मतलब एग्जैक्टली वही जो यूनियन का डेफिनेशन था। यूनियन को हम लोग कैसे पढ़ते थे, एक सेट दे देते थे 1 2 3 4, और एक सेट बी दे दिए 3 4 5 6, और कहे कि ए यूनियन बी सेट। तो उसका क्या मतलब होता था, ए या बी, यानी ऐसा हर एलिमेंट यहां लिखिए जो ए में मौजूद हो या बी में मौजूद हो, तब आपको जवाब मिल जाएगा। तो यूनियन के जगह पे प्लस सिंबल इस्तेमाल होगा यहां बूलियन अलजेब्रा में, वो तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स था। एब्राइम के जगह यहां पे बार इस्तेमाल होगा, यानी इस गेट को मैथमेटिकली अगर हमको एक्सप्रेस करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, द आउटपुट इक्वल ए प्लस बी, विच मीन्स ए और बी, वही लिखा हुआ है। इसको देखिए, यह है एंड गेट, ये दोनों स्विच जब ऑन होगा, ये भी एंड ये भी, तभी बल्ब जलेगा। इसमें दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑन होगा तो बल्ब जल जाएगा, इसमें दोनों का ऑन होना जरूरी है। तो ट्रुथ टेबल में देखिए चार ही विकल्प ना है, दोनों ऑफ, एक ऑन बी ऑफ, ए ऑफ बी ऑन, दोनों ऑन। तो हर ट्रुथ टेबल देखने में ऐसा ही लगेगा, यहां पे सिर्फ दो ही रो था, यहां चार। अगर कोई ऐसा गेट हो जिसमें कि तीन इनपुट ए बी सी हो और एक आउटपुट, तो इसका ट्रुथ टेबल में कितना रोज बनेगा। ऐसे बनाते हैं कॉलम्स, यहां पे दो विकल्प है जीरो या वन, यहां भी दो विकल्प जीरो या वन, यहां भी दो विकल्प जीरो या वन, तो कुल आठ रो होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ए को फिक्स रखती है, अब बी सी को हम बदलते गए, अब ए को वन रख देते हैं, चार ठो और आएगा। तो जितना नंबर ऑफ इनपुट रहेगा उसी हिसाब से द नंबर ऑफ ऑप्शंस भी ग्रो कर जाएगा, 2 to the power of नंबर ऑफ इनपुट्स। तो ये स्विच हम समझ गए, दोनों जब तक ऑन नहीं होगा ये ऑन नहीं होगा, ये भी एंड ये भी, तो जब दोनों ऑन है तब बल्ब जल गया, अब बाकी सब समय बल्ब नहीं जला, अब नहीं भूलेंगे कभी। सो ये तीन कॉमन गेट्स हैं, दो और है जो मुश्किल नहीं है। नॉर का मतलब और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट को कंबाइंड रूप से हम एक गेट नॉर गेट के नाम से पुकारते हैं। एन स्टैंड्स फॉर नॉट, यानी इनपुट गया आउटपुट निकला,
और फिर ये आउटपुट इस गेट से गया, तब फाइनली बल्ब यहां लगेगा, बल्ब को यहां लगाएंगे, स्विचेस यहां यहां है। तो ये मुश्किल इसलिए नहीं है समझना, क्योंकि इवेंचुअली जो ये गेट आउटपुट देगा उसको निगेट कर देना है। तो जो और का ट्रुथ टेबल था उसको खाली निगेट कर दीजिए, यहां पे 0111 था, अब ये 1000 हो गया। और एक गेट है नैंड गेट, माने एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट। एक यहां पे छोटा सा एक सर्कल बना देते हैं, ये सिंबल है सर्किट में एक जगह कहीं पे कनेक्टेड होगा, तो आपको समझना है कि ये एंड फॉलोड बाय अ नॉट है। इसको एनालिटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, आउटपुट इक्वल्स ए बी लिख देते हैं विथ अ डॉट, या नहीं भी डाले डॉट, जैसे कि सेट्स के लैंग्वेज में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लिखते थे, पर पढ़ते थे ए एंड बी, यानी कि सेट ए अगर हम लिख दिए 1 2 3 4 5 और सेट बी लिख दिए 3 4 5 6 और ए इंटरसेक्शन बी सेट कहे कि लिखिए, तो ए एंड बी मतलब ऐसा एलिमेंट्स आपको लिखना होगा जो दोनों में प्रेजेंट हो, यहां पे भी एंड यहां पे भी, माने कॉमन 3 4 5। तो यहां इंटरसेक्शन सिंबल अब सिंपली रिप्लेस्ड हो गया बाय अ डॉट, जो बहुत बार नहीं भी डालते हैं, और यूनियन सिंबल रिप्लेस हो गया बाय अ प्लस, और प्राइम सिंबल रिप्लेस हो गया बाय अ बार। तो हम एंड गेट को एनालिटिकल लिखेंगे, यहां लिख सकते हैं ए बी, आई चित्र ऐसा है, इसका चित्र में यह ऐसे है यहां, और इसको क्या लिखें, ए और बी का बार, वाई बराबर ए प्लस बी का बार। यहां से आउटपुट निकलेगा पहले ए प्लस बी, यहां ए यहां बी, यहां पूछे क्या आउटपुट निकलेगा, अब बोलिएगा ए प्लस बी, माने हम समझ जाएंगे ये पूरा टेबल। अब फिर यहां क्या निकलेगा, तो एक बार डाल दीजिएगा, अब हम समझ जाएंगे निगेशन, इसको क्या बोलेंगे, ए बी का बार, क्योंकि एक एंड गेट है, यहां ए एंटर करा सिग्नल, यहां बी, यहां पे क्या निकलेगा, तो हम लिखेंगे अभी सर्किट्स में ए बी, ए बी का मतलब ही पूरा ट्रुथ टेबल, एंड फॉलोड बाय अ नॉट, तो हम इस आउटपुट को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। यहां पे सेट थ्योरी वाला सारा अलजेब्रा वैलिड है, का मतलब ए प्लस बी का बार, याद कीजिए ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जैसा है, जो कि इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और ए बी का बार मतलब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, उसको डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डिमॉर्गन बताए हैं कि ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि ये ए बार इंटू बी बार, मतलब कि जिस सर्किट को हम यहां पे नॉर सर्किट बोल रहे हैं, वो अगर हम एक ऐसा सर्किट बनाए होते, ए एंटर किया बी एंटर किया अलग से दो नॉट गेट से, उन दोनों को बीच में एंड है, यानी अब इन दोनों को हम एक एंड गेट में एंटर करा दिए, अब यहां जो आउटपुट निकला ये वही आउटपुट निकलेगा जो इस गेट से निकल रहा है। सो दिस गेट जिसको कि हम बनाए हैं, इट इज दिस पर्टिकुलर पाथ, इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, यानी इसका ट्रुथ टेबल अगर बनाने के लिए कह दे, यानी आप कॉलम बनाए ए बी और वाई, ए बी का सारा पॉसिबल जोड़ा लिखें 0001 1011, और तब यहां पे आउटपुट ट्रेवल करें 0 और 0। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं, यहां मिलेगा 1 और 1, 1 एंड 1 माने दोनों स्विच ऑन है, तब यहां बल्ब जल जाएगा, तब मिलेगा 1, 0 और 1, यहां 0 यहां 1, तब यहां 1 और 0, अभी एंड है, जब तक दोनों नहीं जलेगा ये नहीं जलेगा बल्ब, दिस स्विच एंड दिस स्विच दोनों जब जलेगा तब जल जलेगा, एगो ऑन है एगो ऑफ है नहीं जलेगा। 1 0 1 0 कीजिएगा तो यहां 0 1 मिलेगा, फिर बल्ब नहीं जलेगा,
और 1-1 दोनों ऑन, यहां पे 0-0 हो गया, अब यहां पे बल्ब नहीं चलेगा। यानी इस सर्किट का ट्रूथ टेबल ये है, जो कि देखिए इससे मैच करता है कि नहीं, इससे इट इज नॉट। यही यहां पे हम दिखाना चाहते हैं। अगर हमको ये डिमॉर्गन्स लॉ याद हो तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहां ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा है। डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार इट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। और यहां पे ये जो सिंबल है ना, ये पलट जाता है, ये है लॉ। इसको हम लोग फील भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। यहां क्या लिखा है, ए या बी, ये है सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट, माने ई सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट सब कौन प्रेजेंट है, देखिए, जो ए में नहीं है एंड बी में भी नहीं है, वो सब प्रेजेंट है। यही तो लिखें, ये जो लेफ्ट हैंड सेट लिखा है ये वही लिखा हुआ है जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। ऐसा सेट लिखा है जिसमें का एलिमेंट सब, ऐसा लिखना है आपको जो ना ए में हो ना बी में हो, दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए आपको। हाँ, तो वही तो लिखें। सो जो बुलियन अलजेब्रा है, इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द अलजेब्रा ऑफ सेट्स। खाली सिंबल बदल गया है, वहां हम लोग यू सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यहां प्लस। पढ़ते वक्त आप ए प्लस बी बोलिएगा, पर दिमाग में चलता रहे कि और लिखा हुआ है। और का मतलब आपको हम समझाए हैं, और का मतलब कि दोनों में से कोई एक भी स्विच ऑन होगा, ये वाला या ये वाला, तो यहां पे बल्ब जल जाएगा, यानी हाई स्टेट में मिलेगा हमको सिग्नल। एंड का मतलब जब तक दोनों नहीं जलेगा तब तक यहां बल्ब नहीं जलेगा, जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा यहां बल्ब नहीं जलेगा। अब देखिए, तो हम लोग लार्जली यही तीन गेट है, ये तो उसका कोरोलरी जैसा है, इन्हीं से हम लोग सारा लॉजिकल सर्किट्स बना लेते हैं, सारा कंप्यूटर बस इन्हीं तीन गेट से बना है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग वी कैन क्रिएट सर्किट्स विच कैन परफॉर्म एनी फंक्शन, जैसे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। दो इनपुट देंगे हम, नंबर्स टाइप करते हैं कैलकुलेटर को, पर वो नंबर को, वो एक सर्किट है जिसमें कि पहले नंबर्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ सिग्नल। आप जब नंबर 5 टाइप करते हैं तो एक सर्किट है जो 5 का एक पर्टिकुलर वोल्टेज सिग्नल, एक खास वेव फॉर्म होगा जो 5 रिप्रेजेंट करता होगा। अब ये फिर किसी सर्किट में जाएगा 5, और हम 7 जब टाइप करेंगे तो एक दूसरा वेव फॉर्म होगा जो 7 को रिप्रेजेंट करता होगा। अब ये एक्सक्लूसिव होगा 7 के लिए, यही वाला हम लोग बना बना के रख दिए हैं सिग्नल्स, कि हम इतने इतने देर में जब हाई करेंगे अब फिर लो करेंगे। तो आपको समझना है कि 7 को ये सर्किट इस वेव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब इस सर्किट में एक वेव फॉर्म ये एंटर कर रहा है जो कि 5 रिप्रेजेंट करता है, और एक वोल्टेज सिग्नल एंटर कर रहा है जो 7 रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर हम कुछ करेंगे, सर्किट बनाएंगे, ये एक ऐसा वेव फॉर्म रिटर्न करेगा जो 12 को रिप्रेजेंट करता हो। एवरी कैरेक्टर जो हम लोग अंग्रेजी में ABCD बनाए हैं, हर डिजिट जो बनाए हैं, सबके लिए एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म बना के रख दिया है, उसको हम लोग कोड बोलते हैं, ASCII कोड। आप टाइप करते हैं ए, बट अंदर में एक वोल्टेज सिग्नल क्रिएट होता है विच करेस्पॉन्ड्स टू ए। अब इस सर्किट का आपसे कहेंगे कि इसके अंदर इसका सर्किट डिजाइन कीजिए कि जब 5 और 7 डालें तो ये 12 रिटर्न करे, माने 12 वाला वोल्टेज रिटर्न करे, 12 वाला माने कितना देर तक 0 फिर 1 0, और वो आप डिजाइन करेंगे ओनली यूजिंग दीज गेट्स, बस इतने ही से। दैट इज ब्रिलियंट। यानी आप एक एडर नाम का एक सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। एडर मतलब जो एड करे, दो नंबर डालिए
आपको ऐड करके मेंबर रिटर्न करे. यू कैन क्रिएट अनदर सर्किट फॉर मल्टीप्लायर, सब्ट्रैक्टर, डिवाइडर, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, ओनली यूजिंग दीज थ्री ट्रेड्स. दैट इज द ब्रिलियंस ऑफ अवर ब्रेन. जैसे देखिए, अगर हम इस तरह का दो सिग्नल्स और गेट के थ्रू पास कराएं तो कैसा सिग्नल हमको मिलेगा आउटपुट में. तो और का मतलब क्लियर हुआ है कि नहीं, देखें कि दोनों सिग्नल में से कोई भी एक सिग्नल अगर हाई होगा तो उधर हाई मिल जाएगा. एक भी सिग्नल हाई हुआ तो हाई मिलेगा. तो चलिए देखिए, अभी यहां से वहां तक का जो टाइम इंटरवल है इसमें दोनों लो है तो लो मिलेगा. अब इस इंटरवल में ये हाई है ये लो है, हाँ कोई मतलब नहीं है, एक भी हाई तो हाई मिल जाएगा. अभी ये हाई है ये हाई है, एक भी हाई है यहां तक तो हमको हाई मिलता रहेगा, क्योंकि इस इंटरवल में देखिए तो कोई ना कोई एक ठो हाई स्टेट में है, कोई ना कोई एक स्विच है जो ऑन है ए और बी में से. अब फिर हमको लो मिलेगा, जब दोनों लो होगा तभी हमको आउटपुट लो स्टेट में मिलेगा. अब फिर यहां से चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए चलते चलिए यहां तक कोई ना कोई हमको हाई मिल रहा है, ऐसा आउटपुट मिलेगा. नहीं, और आगे तक भी ये जीरो है लेकिन अभी भी ये हाई है, हमें भी अब यहां के बाद फिर रिपीट करें तो हमको यहां तक हाई मिलता रहेगा. अगर हम और गेट से इस सिग्नल को एंटर कराए तो, और एंड गेट से अगर हम इन्हीं दोनों सिग्नल को कराएं एंटर तो, एंड गेट का डेफिनेशन देखिए कि दोनों जब हाई रहेगा सिर्फ तभी हाई मिलेगा, बाकी सब समय लो. इसमें उल्टा था स्टेटमेंट, इसमें दोनों में से कोई भी हाई होगा तो हाई हो जाएगा, यही हाईलाइट है. इसमें यह हाईलाइट है कि दोनों का दोनों जब तक हाई नहीं होगा हाई नहीं मिलेगा. तो चलिए देखते हैं, दिस एंड दिस. अब आप दोनों हाई जब होगा, दोनों हाई, एक और ग्राफ बना रहे हैं हम यहां पे ए प्लस बी को दिखाए हैं और अब ए बी को दिखा रहे हैं. इस इंटरवल में देखिए दोनों हाई है तो हाई मिलेगा, जब जब दोनों हाई होगा बस उसी समय हाई मिलेगा. फिर हमको इस इंटरवल में दोनों हाई मिल रहा है तो हाई मिलेगा, बाकी समय लो, सो ऑन एंड सो. कुछ सवाल हम लोग बना के देख लेते हैं. बस तीन एग्जांपल हम लिए हैं, इसको देख लेते हैं. हमको इसका ट्रुथ टेबल बनाने के लिए दिया जाएगा एग्जाम में, अगर मतलब हमको इस तरह का एक टेबल बनाना होगा जिसमें तीन कॉलम होगा ए बी वाई और चार रो होगा, 0001 1011 लिखेंगे और आपको आउटपुट यहां लिखना होगा. दो इनपुट सिग्नल है ए और बी, तो कुल चार ऑप्शन हो सकता है, दोनों स्विच ऑफ, ये ऑन ये ऑफ, ये ऑफ ये ऑन, दोनों ऑन. तो यहां पर बल्ब अगर इस तरह का गेट के थ्रू हम अपने सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहां पे किस तरह का आउटपुट रिटर्न करेगा ये सिग्नल बताना है. दैट इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल तीनों केस में. तो मेरे पास एक विकल्प है कि हम एक्चुअली शुरू करें जीरो से. अब यहां से जीरो माने लो वोल्टेज, इधर भी लो वोल्टेज इधर भी लो वोल्टेज. अब यह है और गेट फॉलोड बाई अ नॉट गेट, तो जीरो जीरो और गेट में घुसेगा तो जीरो रिटर्न होगा, लो लो लो, और फिर नॉट गेट में घुसेगा तो हाई होगा. तो यानी अगर यहां जीरो एंटर किया तो यहां वन रिटर्न होगा, और यहां भी जीरो सेम सर्किट है तो यहां भी वन होगा. ये वन वन है और गेट है, दोनों में से कोई एक भी हाई होता तो हमको ये रिटर्न करता हाई स्टेट, दोनों हाई है वन रिटर्न करेगा एंड फॉलोड बाई नॉट,
यानी जीरो रिटर्न करेगा। इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को फ्लो करा करके जवाब देंगे, नो वी विल नॉट डू दिस, वी विल एक्चुअली रिड्यूस दिस सर्किट। वेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म तब जवाब दे, विल यूज बूलियन अलजेब्रा। इस गेट का दो इनपुट है, दोनों में ए और ए जा रहा है, इस तरह से ज्वाइन करके आप ए दिखा दिए, मतलब दोनों में ए जा रहा है। हम ऐसा भी कर सकते थे ए बी सी डी चार इनपुट, तब ट्रुथ टेबल में 2 × 2 × 2 × 2 16 रोज होता और 5 कॉलम बनाते हैं, ए बी सी डी और आउटपुट कॉलम 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0, सारा विकल्प लिखते और हर बार आउटपुट निकालते। बट अभी हम इन दोनों को कंबाइंड रूप से ए बोल रहे हैं, इन दोनों को कंबाइंड रूप से बी, यानी इस गेट में ए और ए डाल रहे हैं, ए प्लस ए का बार रिटर्न करेगा यहां, ए प्लस ए का बार, इधर से ए, इधर से ए, और इसका जो बुलियन में जो आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर गेट का, वो दिस और दिस फॉलोड बाय अ नेगेशन, ए और ए बार। अब उसको सेट के भाषा में सोचिए, ए और ए मतलब ए और ए का यूनियन, ए मिलेगा, ए और ए का यूनियन ए होगा, तो ये सिर्फ ए बार है, और ये क्या है, ये बी बार होगा। सिमिलरली अब यहां पे ए बार और बी बार एंटर कर रहा है, तो इस गेट से बाहर क्या निकलेगा, ए बार प्लस बी बार का बार, दिस इनपुट और दिस इनपुट फॉलोड बाय अ नेगेशन। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, हम लोग सीखे हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सेट इक्वल टू होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हाँ मतलब ए बार का बार बी बार का बार अ यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, इंटरसेक्शन होता तो यूनियन में बदल जाता। तो एंड, तो आप डॉट डाल दीजिए या कुछ नहीं डालिए, तो इट इज सिंपली ए बी, यानी ये इतना बड़ा जो सर्किट दिख रहा है वो एक्चुअली में एंड गेट था और इसका ट्रुथ टेबल यही होगा। इस सर्किट को देखिए, इस सिग्नल को ए कहें तो यहां पे ए बार मिलेगा, इसको बी तो यहां बी बार, और यहां ए बार प्लस बी बार का बार प्लस, क्योंकि ये और गेट है और ये इक्वल टू सेम हो गया, वाई बराबर ए बार प्लस बी बार का बार ऐसे लिखे, और वो इक्वल टू ए बार बार बी बार बार इंटू विच इज नथिंग बट ए बी। तो ये भी एंड गेट था, इसको देखें, ये एंड फॉलोड बाय नॉट नैंड गेट है, ए एंटर कर रहा है और दूसरे इनपुट सिग्नल का भी नाम ए है, तो ए इंटू ए का बार, ए डॉट ए का बार, आप इसको पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन ए, तो ए सेट को ए सेट के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही मिलेगा, तो यहां सिर्फ ए बार, यानी हम सिर्फ इस गेट का कहते हैं कि ट्रूथ टेबल बना दीजिए, ये वन इनपुट कर दिए और वन आउटपुट, तो इसका ट्रूथ टेबल में इधर ए और इधर वाई और बस 0 1 1 0, यही इस सर्किट का ट्रूथ टेबल होगा। यहां पे बी बार और आउटपुट निकलेगा ए बार इंटू बी बार नेगेटेड, ए बार डॉट बी बार नेगेटेड। जो डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ से हम जानते हैं कि ए बार बार हो जाएगा, बी बार बार हो जाएगा,
डॉट बिकम्स प्लस नाउ, इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन. सो दिस इज नथिंग बट द ऑर गेट, यानी इसका ट्रुथ टेबल ई वाला होगा. चलिए आज के लिए समाप्त.